वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 5 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आज हम 4 और 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स दोनों डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल भी जो डिस्कस नहीं कर पाया था। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा वॉइस ओवर 5G के बारे में, तो देख लेते हैं। अभी हाल ही में रिपोर्टों से संकेत मिला है कि भारत का सबसे बड़ा मोबाइल वाहक रिलायंस जियो वॉइस ओवर न्यू रेडियो का परीक्षण कर रहा है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसे वॉइस ओवर न्यू रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। ये मानक 4G का उपयोग करने वाले जो मौजूदा मानक के बजाय 5G नेटवर्क का वॉइस कॉल की अनुमति देता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो ये 5G के सभी सुधारों, गति, क्षमता और प्रक्रियाशीलता की को अपनाता है और उन्हें आवाज़ पर पूरी तरह से लागू करता है। इसका लक्ष्य सभी बुनियादी ढांचा और इंटरऑपरेबिलिटी को पहले से ही तैयार करना है। BO5G का उपयोग करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें एक फ़ोन जो BO5G का समर्थन कर, मतलब उसका सपोर्ट हो, और एक वाहक जो BO5G प्रदान करता है, और जो जहाँ जिस एरिया में आप रहते हैं वो उस एरिया में 5G नेटवर्क का एसेस हो। BONRR और BOLTE को कैसे बेहतर है। तो BONR ये 4G LTE की तुलना में 5G की काफ़ी अधिक बैंडविड्थ और कम विलंबता के साथ BOLTE से स्पष्टता प्रगति लाता है। उन्नत कॉल गुणवत्ता, तो यह अधिक उन्नत ऑडियो और कोडेक्स का उपयोग करता है जो 5G की बढ़ी हुई डेटा क्षमता के आधार पर बेहतर स्पष्टता और निष्ठा प्रदान करता है। तीव्र संपर्क समय, इसमें तीव्र कॉल संपर्क समय का ये वादा करता है, जिससे एक सहज और त्वरित उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित होता है। इससे बेहतर विश्वसनीयता, BO5G का लक्ष्य विशेष रूप से 5G और 4G के बीच जो संक्रमण के दौरान जो कुख्यात यानी साइबर टाइप के कॉल ट्रैप समस्याओं को ये ख़त्म कर देगा। और कम पैकेट हानि, तो इसमें बेहतर विश्वसनीयता में योगदान करती है, जिससे कॉल के दौरान वॉइस कटआउट की घटना इसमें कम हो जाती है। हमारा अगला आर्टिकल है वॉय के बारे में। हाल ही में GPS और विभिन्न मौसम संबंधी उपकरणों से लैस एक वेब राइडर जो बाय ओडिशा के गंजाम जिले के गोपालपुर सैन्य स्टेशन के तट पर पाया गया है। तो इसके बॉय के बारे में देख लेते हैं। ये एक तैरती हुई वस्तु है जो नाविकों के मार्गदर्शन या उनको चेतावनी देने के लिए जो जलमग्न वस्तुओं की स्थिति को चिन्हित करने या जहाज़ों को बांधने के लिए एक निश्चित स्थान पर लंगर डालती है। ये अक्सर चमकीले रंग के और विशिष्ट आकार या पैटर्न के होते हैं, जिससे ये जहाज़ों और उनकी अन्य जलयानों को आसानी से दिखाई दे जाते हैं। ये सामान्यतः बंदरगाहों, समुद्री तट के किनारे और नदियों और झीलों में पाए जाते हैं। इनका रखरखाव विभिन्न संगठनों जैसे कि तटरक्षक बल या अन्य नौवहन जो प्राधिकरण होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। बॉयज प्रणाली, तो देख लेते हैं। ये तो दुनिया भर में बॉयज प्रणालियों में एक रूपता बनाए रखने के लिए एक नेविगेशन और लाइट हाउस प्राधिकरण यानी IALA ये तो समुद्री सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने दुनिया को एक जो दो क्षेत्रों में विभाजित किया है। इसमें एक क्षेत्र ए है और दूसरा क्षेत्र बी है। अब क्षेत्र ए में इसमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और खाड़ी और कुछ उनके एशियाई देश शामिल हैं, जबकि क्षेत्र बी में उत्तर, दक्षिण और मध्य अमेरिका, जापान, कोरिया, फिलीपींस शामिल हैं। IALA ने प्रत्येक क्षेत्र में पास चिन्हों के उपयोग की अनुमति देने वाली एक प्रणाली का प्रस्ताव रखा, लेकिन क्षेत्र ए में पास प्रणाली के लाल रंग का उपयोग चैनलों के बंदरगाह पक्ष को चिन्हित करने के लिए, एक स्टार्ट बोर्ड पक्ष के लिए हरे रंग का उपयोग किया जाता है। बंदरगाहों के लिए लाल और स्टार्ट बोर्ड के लिए हरे रंग का उपयोग किया जाता है। क्षेत्र बी में इसके विपरीत रंग होते हैं। इससे विशेष प्रयोजन वाले जो बॉय होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें केबल बॉय, एक एंकर बॉय या रेस बॉय शामिल होते हैं। मूरिंग बॉय ये अन्य प्रकार से इस मायने में विभिन्न भिन्न होते हैं। ये नेविगेशन के लिए सहायक नहीं है, बल्कि एक ऐसा बिंदु है जहाँ जहाज़ों से बांधा जा सकता है। स्टारबोर्ड पक्ष और बंदरगाह पक्ष क्या होते हैं?
तो ये जहाज के आगे की ओर देखने पर बंदरगाह वाला एक हिस्सा जहाज का बाई ओर होता है। ये धनुष का सामना करते समय स्टारबोर्ड जहाज के दाहिनी ओर होता है। धनुष जहाज का वह हिस्सा है जो जहाज के चलते समय आमतौर पर सबसे आगे होता है। ये जहाज का पिछला भाग या उसका सबसे पिछला भाग स्टर्न होता है। जहाज का जो सबसे पिछला भाग होता है वो स्टर्न होता है, सबसे अगला भाग होता है उसको धनुष कहते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है फर्स्ट फैटम के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी साइबर सुरक्षा कंपनी प्रोमोन ने प्रोजर फैंटन के नाम से एक एंड्रॉयड मेलवेयर की पहचान की है जो अनुप्रयोगों को लक्षित करने के लिए वर्चुअलाइजेशन का उपयोग करता है। तो प्रोजर फैंटम के बारे में, तो ये प्रोजर फैंटम है, ये एक प्रकार का मेलवेयर होता है जो पहचान से बचने और अनुप्रयोगों को लक्षित करने के लिए वर्चुअलाइजेशन का उपयोग करता है। यह मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से प्रचार करता है और बैंकिंग ग्राहकों को धोखा देने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के ऐप आधारित मेलवेयर को जोड़ता है। ये रणनीतिक रूप से मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम जैसे देशों को शामिल करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के उपयोगकर्ताओं पर ध्यान अपना केंद्रित करता है। ये कार्यप्रणाली इसकी क्या है? तो ये उपयोगकर्ताओं को अनजाने में एक वैध बैंकिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए लुभाता है, मतलब ये मेलवेयर भेजता है जो एक बैंकिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए लुभाता है, और ईमेल, एसएमएस और मैसेजिंग ऐप का उपयोग करता है जिसमें जो फैंटम होता है ये भी शामिल होता है। ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है तो हमलावर या ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होकर उपयोगकर्ता को ऐप चलाने के चरणों के बारे में मार्गदर्शन करता है। इस ऐप को चलाने के लिए मेलवेयर आभासी कंटेनर बनाने के लिए वर्चुअलाइजेशन का उपयोग करता है और हमलावर उपयोगकर्ता के कार्यों की निगरानी कर उनकी साख चुरा सकते हैं, मतलब जो भी उनका क्रेडिट होता है उसको चुरा सकता है। ये हमलावरों को फाइलों और मेमोरी तक पहुंच प्राप्त करने या डिबगिंग करने और उनके ऐप को कोड डालने में सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त मेलवेयर लक्षित अनुप्रयोगों द्वारा की गई जो विभिन्न प्रकार कार्रवाइयों को लॉक करता है जो सक्रिय विकास को दर्शाता है और भविष्य में अन्य ऐप के संभावित लक्ष्यीकरण को भी कई सुझाव देता है। हमारा अगला आर्टिकल है लाल सागर के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। तो ये मैप है और ये है हमारा अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है, और अरेबियन सी के बाद में यहाँ से चलो तो ये यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन पड़ता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे तो जो ये जो दिख रही है ये बाबेल मंडेब, ये स्टेट है, ये बाबेल मंडेब स्टेट है, और ये रेड सी है, रेड सी है ये, और यहाँ से स्वेज कनाल निकाली गई है जो मेडिटेरियन से सी को रेड सी से जोड़ती है, ये गल्फ ऑफ स्वेज। और इसके जो रेड सी से लगे हुए देश हैं इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, यमन, तो और बाकी ये जिबूती है, एरिट्रिया है, ये भी इसके सीमावर्ती देश हैं। तो अभी लाल सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत के कई वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमला किया गया था जिसे मध्य पूर्व में समुद्री तनाव का गहरा गया है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच हिंद महासागर का एक जो अर्ध संलग्न जो प्रवेश द्वार, इसको कहा जाता है रेड सी को, ये दुनिया का सबसे गर्म समुद्रों में से एक है। तो ये अदन की खाड़ी और बाबेल मंदेब के संकीर्ण जलडमरू मध्य के माध्यम से दक्षिण में अरब सागर और हिंद महासागर को से जोड़ता है। लाल सागर के उत्तरी भाग में सेनाई प्रायद्वीप है जो अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी में विभाजित है। ये प्रसिद्ध स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जोड़ता है, जैसा कि हमने मैप में देखा। मैप में हमने देखा इसके सीमावर्ती देश, तो लाल सागर के जैसे पूर्व में यमन है, सऊदी अरेबिया है, जो ये है लाल सागर, इसके पूर्व में यमन है और सऊदी अरेबिया है, और पश्चिम में सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, जैसा कि इसमें मैप में दिखाया गया है। देखो सूडान पश्चिम में, सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती है, और देखो इजिप्ट है, और ये पूरब में सऊदी अरबिया है, और यहाँ पे ये इजिप्ट का ही ये जो है पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला,
और ये गल्फ ऑफ ये वाली जो इधर निकला है ये गल्फ ऑफ अकाबा है। तो आइए देख लेते हैं, इसकी सतही क्षेत्रफल लगभग 4,38,000 है वर्ग किलोमीटर है, और इसकी लंबाई लगभग 2,250 किलोमीटर है। समुद्र की अधिकतम चौड़ाई है वो 355 किलोमीटर है, और समुद्र जो सबसे गहरा बिंदु इसका सुकीनगर्त है, इसमें इसकी गहराई है 3,040 मीटर। समुद्र की अनुमानित औसत गहराई 490 मीटर है। इस द्वीप समूह यहाँ पर तो कुछ प्रसिद्ध द्वीपों में तिरान द्वीप समूह जो अकाबा की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, और सादबान द्वीप समूह जो स्वेज खाड़ी के प्रवेश द्वार पर स्थित है। हमारा अगला आर्टिकल है माउंट मरापी के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। तो पहले इसके मैप में देखते हैं हम, ये है इंडोनेशिया का मैप और ये है इसका जावा जो आइलैंड है, ये जावा आइलैंड, और यहाँ पे जो रेड स्पॉटेड है ये है माउंट मरापी जो ज्वालामुखी है, ये 2,968 मीटर का है। और यहाँ पे देखो ये इसका सुमात्रा आइलैंड है, और यहाँ पे ये मलक्का स्टेट यहाँ से निकलता है, और इधर है इंडियन ओशियन, और ये सिंगापुर यहाँ पे है, और ये है जावा सी इधर है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। इंडोनेशिया के पश्चिम में सुमात्रा प्रांत में माउंट मरापी में विस्फोट अभी हुआ है, जिससे हवा में 3,000 मीटर से लगभग 9,800 फीट से अधिक दूरी पर सफ़ेद और भूरे रंग की राख फैल गई है। तो ये मरापी, ये जावा में स्थित माउंट मरापी में के विभिन्न जो पश्चिमी प्रांत है जो सुमात्रा का ये पश्चिम में अवस्थित है, इसका नाम का अर्थ होता है आग का पहाड़, और ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 60 से अधिक विस्फोटों के साथ सुमात्रा का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी होने का दावा करता है, मतलब सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। देख लेते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। तो ये है रिंग ऑफ फायर का एरिया पूरा, ये पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, ये इस एरिया को पूरा रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और ये ज्वालामुखियों विश्व की ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहीं पर आती हैं, ज्वालामुखियों का घर कहा जाता है इसे। ये परिधीय पैसिफिक बेल्ट के रूप में इसको जाना जाता है, और ये प्रशांत महासागर की परिधि पर एक पथ है। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी बार बार आते, भूकंप भी आते हैं यहाँ बार बार, और इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर है यानी 24, और ये कई विवर्तनिक प्लेटों के बीच की सीमाओं का पता लगाता है, जिसमें प्रशांत जुआन से डे फूफा कोकोस भारतीय ऑस्ट्रेलियाई नाजका उत्तरी अमेरिका और फिलीपींस प्लेट इसमें शामिल है ये सारा। हमारा अगला आर्टिकल है वाइट लंग सिंड्रोम के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी उत्तरी चीन और अमेरिका के ओहायो में श्वसन संबंधी बीमारियों के फैलने से, जिसे लोग वाइट लंग सिंड्रोम कह रहे हैं, उसने कोविड-19 के बाद एक नई महामारी के खतरे को ऑनलाइन अटकलों को हवा दे दी है। वाइट लंग सिंड्रोम के बारे में देख लेते हैं। तो ये इससे प्रभावित बच्चों में छाती के एक्सरे पर विशिष्ट सफ़ेद धब्बों से उत्पन्न होता है। इन शब्दों में विभिन्न श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे कि तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम, फुफ्फुस जो वायु कोशिकीय माइक्रोलिथियासिस और सिलिका संबंधित स्थितियां शामिल हैं। इस कारण इसका क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि ये बैक्टीरिया, वायरल और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से के कारण ये होता है। इसके संकेत और लक्षण, तो ये मरीजों में खांसी, बुखार, नाक बहना, साइनस में कफ जमा होना, सांस लेने में कठिनाई और थकान जैसे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इसका इलाज क्या हो सकता है? तो इसके उपचार में मुख्य रूप से निमोनिया के लक्षणों से को संबोधित करने वाले जो रोगी होते हैं, वही श्वसन स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, जो इलाज निमोनिया का है वही इसका इलाज है। और खांसी और बुखार जैसे लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। इसमें समग्र निगरानी की जानी चाहिए इसकी, और अति आवश्यक हो तो ये आवश्यक हो तो ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रदान की जानी चाहिए। फेफड़ों से संबंधित अन्य संक्रमण, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS, ये फेफड़ों की एक गंभीर स्थिति है जो तब होती है जब फेफड़ों में वायु की थैलियाँ में तरल पदार्थ जमा हो जाता है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और ARDS के विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जिसमें निमोनिया, सेप्सिस और आघात शामिल हैं। पल्मोनरी एल्बोलर माइक्रोलिथियासिस फेफड़ों की एक दुर्लभ बीमारी होती है जो फेफड़ों की वायु थैली में कैल्शियम जमा होने के कारण होती है।
इसमें सांस लेने में तकलीफ, खांसी और सीने में दर्द हो सकता है। सिलिकोसिस, ये फेफड़ों की एक बीमारी है जो सिलिका धूल में सांस लेने से होती है। सिलिका धूल, रेत, ये पत्थर और अन्य सामग्रियों में पाई जाती हैं। सिलिकोसिस में सांस लेने में तकलीफ, खांसी और सीने में दर्द हो सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है मेथो ट्रेक्सेट के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में फास्फोरिन, सिस्टीन और सोना का उपयोग करके असाधारण ऑप्टिकल गुणों वाली एक नई अत्यधिक जैसे फ्लोरोसेंट सामग्री विकसित की गई है, जिसका उपयोग कैंसर रोधी दवाओं मेथोट्रेक्सेट का पता लगाने के लिए एक दृश्य संवेदी मंच के रूप में किया जा रहा है सकता है। तो मेथोट्रेक्सेट के बारे में देख लेते हैं। ये व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कैंसर रोधी दवा है। ये रक्त प्लाज्मा में 10 mg से अधिक MTX मान खतरनाक है। यदि ये 10 घंटे से अधिक समय तक सिस्टम में रहता है तो परिणाम स्वरूप फेफड़ों पर में जहरीला प्रभाव, पेट में अल्सर और हृदय स्ट्रोक होता है। MTX अत्यधिक महंगा है और ये पारंपरिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके अवांछित ओवरडोज का पता लगाने में समय लगता है और इससे जटिल उपकरण शामिल होते हैं। कैंसर क्या है? तो ये एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो अनियंत्रित हो जाती हैं और बढ़ती हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में ये फैल जाती हैं। जैसे अगर मान लो ये ह्यूमन बॉडी है तो इसमें जो कोशिकाएं हैं, या अगर यहाँ पे कैंसर हो गया तो इसकी कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा कोशिकाएं बढ़ती हैं, ये धीरे धीरे पूरे शरीर में ये फैल जाती हैं और पूरे शरीर को चपेट में ले लेती हैं। कैंसर मानव शरीर में लगभग कहीं से भी शुरू हो सकता है जो खरबों कोशिकाओं से बना होता है। जोखिम कारक इसके क्या? तो तंबाकू का उपयोग, शराब सेवन, अस्वस्थकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता और वायु प्रदूषण कैंसर और अन्य गैर संचारी रोगों के लिए जोखिम के कारक हैं। हमारा अगला आर्टिकल है मोहनजोदड़ो के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी पुरातत्वविदों ने हाल ही में मोहनजोदड़ो, जो कि अब पाकिस्तान में है, इसमें एक ऐतिहासिक स्थल पर निर्मित एक बौद्ध मंदिर के अवशेषों के भीतर 2000 साल पुराने तांबे के सिक्कों का एक अध्ययन, जो एक सामान्य भंडार खोजा है तांबे के सिक्कों का, तो तभी ये चर्चा में है। देखते हैं इसके बारे में। तो मोहनजोदड़ो या ये मृतकों का टीला इसको कहते थे, ये एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ माना जाता है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी आर.डी. बनर्जी ने की थी, यानी आर.डी. बनर्जी, यानी राखल दास बनर्जी ने। लगभग 3 मील यानी 5 किलोमीटर सर्किट में ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ये संभवतः एक व्यापक राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। इसका निर्माण मिस्र के महान पिरामिडों के आसपास ही हुआ था और इन खंडरों को 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया था। ये एक आयताकार ग्रिड में स्थित और पक्की ईंटों से निर्मित शहर में एक जटिल जल प्रबंधन प्रणाली थी जो एक परिष्कृत जल निकासी और ढकी हुई सीवर प्रणाली से परिपूर्ण था, और ये लगभग हर घर में इसमें स्नानागार हुआ करते थे। शहर में 900 वर्ग फुट का विशाल स्नानाघर और लगभग 700 कुएं शामिल थे। ग्रेट बाथ, ये एक आयताकार सार्वजनिक पूल है जो गढ़ में स्थित था और ये एक जल प्रणाली का हिस्सा थे जो घरों को अपने स्नानागार या शौचालय बनाने में सक्षम बनाता था। मोहनजोदड़ो अपने समकालीनों यानी कालीबंगन और हड़प्पा की तरह भी दो भागों में ये विभाजित था। इसमें एक को गढ़ बोलते थे और दूसरे को निचला शहर। गढ़ मतलब ऊपरी शहर और निचला और दूसरा निचला शहर होता था। तो गढ़, ये पश्चिमी टीला या गढ़ मिट्टी की ईंटों के एक ऊंचे मंच पर बनाया गया था और इसमें दी ग्रेट बाथ या अन्न भंडार और पुजारी कॉलेज जैसी सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक संरचनाएँ होती थी। इसे मोटी मिट्टी ईंट की दीवार से मजबूत करके बनाया गया था। एक होता था निचला शहर, ये शहर पूर्वी या निचला हिस्सा भी किलेबंद था और आम लोगों के बसने के लिए ये एरिया था। इसमें मतलब आम लोग बसते थे और उसमें जो प्रशासन करने वाले लोग थे वो गढ़ में बसते थे। शहर के
इस हिस्से में अनेक सड़कें और छोटी छोटी गलियां थीं। इस खंडहर के भीतर गिल्ड प्रणालियों के अनुसार कई उपभागों का निर्माण भी किया गया था। जैसे जैसे लोग यहाँ बसते गए, इस क्षेत्र में दफन प्रथाओं से संबंध में बड़ी संख्या में कलाकृतियाँ और जानकारियाँ मिली। बहुमंजिला इमारतें, तो इसमें मोहनजोदारो के लोग पूरे शहर के समान विशेषताओं वाले घरों में रहते थे। इसमें एक केंद्रीय प्रांगण था जो कमरों से घिरा हुआ था। लगभग हर घर में व्यक्तिगत शौचालय यानी अपना अपना शौचालय और स्नानाघर था। दरवाजा और खिड़कियां हमेशा गलियों में खुलते थे। कुछ लोग इससे हवा वगैरह आसानी से लोगों को मिलती रहे, इसके लिए हमेशा ये गलियों में ही दरवाजा और खिड़कियां खुलते थे। कुछ लोगों के हाथों में धन का संकीर्ण उनके घरों के आयामों से देखा जा सकता है। मतलब कुछ लोग बहुत धनी थे तो उनके घरों के देख के उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आम लोग एक मंजिला घरों में रहते थे, जबकि अमीर लोग दो या उससे कभी कभी तीन गुनी जो मंजिला इमारतें भी यहाँ पर देखी गई हैं, जो अमीर लोग उसी में रहते थे। हमारा अगला आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत को 2024-25 द्विवार्षिक के लिए लंदन असेंबली में हुए जो चुनाव में अभी सर्वोच्च संख्या के जो 7 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है। तो देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में। तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार और जहाज़ों से होने वाले जो प्रदूषण को रोकने के उपाय के लिए जिम्मेदार है। ये अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सुरक्षा और रक्षा और पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए एक वैश्विक मानक निर्धारण करता है। इसकी प्रमुख भूमिका शिपिंग उद्योग के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करेगा और जो निष्पक्ष और प्रभावी हो, वो सार्वभौमिक रूप से अपनाया तथा लागू किया गया हो। इसका गठन, तो इसे 1948 में अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठनों के रूप में स्थापित किया गया था और ये 1959 में ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई और 1982 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया। इसकी संरचना, तो ये सभा, तो इसमें आईएमओ की सर्वोच्चता शासी निकाय है। इसमें सभी सदस्य देश शामिल हैं और इसकी बैठक प्रत्येक 2 साल में एक बार नियमित सत्रों में होती है। ये कार्यक्रमों को मंजूरी देने, बजट पर मतदान करने और परिषद का चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। परिषद में आईएमओ का कार्यकारी अंग है और ये संगठन के काम की निगरानी के लिए सभा के तहत जिम्मेदार है। समितियां, तो इसमें 5 नीति निर्धारक समितियां गठन के निर्देशकों और विनियमनों के विकास, समीक्षा, अद्यतन और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? तो संगठन के लिए फंडिंग सदस्य राज्य के योगदान के साथ साथ स्वैच्छिक दान और वाणिज्यिक गतिविधियों से भी आती है। सदस्य इसमें, तो इसके वर्तमान में 175 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय लंदन में है। हमारा अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो देख लेते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली में के पूर्व पुलिस आयुक्त सहित 7 लोगों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया है, तभी ये चर्चा में है। तो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय वे होते हैं जो संसद की एक साधारण अधिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। ये देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है और इसे पेरिस सिद्धांतों यानी 1991 के अनुरूप स्थापित किया गया है, जिसे मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना, जिसके माध्यम से मानवाधिकार मुद्दों को अधिक केंद्रित तरीके से संपूर्ण रूप से संबोधित किया जा सके। जाति के आरोपों को सरकार से स्वतंत्र रूप से इस तरह से देखना कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्धता रेखांकित हो। इसका संगठन, तो इसमें एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, यानी 9 सदस्य टोटल होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं अध्यक्ष, और 8 सदस्यों में 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जबकि 4 सदस्य अन्य सदस्य को चार मतलब अन्य सदस्य होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के 4 पूर्णकालिक सदस्यों में 1 सदस्य उच्चतम न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। अन्य सदस्य किसी उच्च न्यायालय का कार्यरत सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। 2 सदस्यों का चयन उनके अनुभव या और मानवाधिकारों के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के
चार डीम्ड सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो ये 6 सदस्य कौन होंगे जिनकी सिफारिश पर ये इनकी नियुक्ति की जाएगी? इसमें प्रधानमंत्री ये प्रमुख रूप से होगा और लोकसभा अध्यक्ष होगा, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं और सदस्य के संसद के दोनों सदनों के जो विपक्ष का नेता होता है वह होगा। केंद्रीय गृह मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। इसका कार्यकाल तो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति 3 वर्ष के कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है तब होती है। अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कार्य क्या होते हैं? तो ये किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन या ऐसे उल्लंघन जो रोकथाम में उकसावे या लापरवाही की शिकायत की स्वयं की पहल पर किसी पीड़ित या उनकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पूछताछ करना और किसी अदालत के समक्ष लंबित मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है उसमें किसी भी आरोप से जुड़ी जो कोई भी कार्रवाई हो उसमें ऐसी अदालत को मंजूरी में हस्तक्षेप करना शामिल है। राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी भी जेल या किसी अन्य संस्थान का दौरा करें जहां कैदियों के रहने की स्थिति का अध्ययन करने और उस पर सिफारिश करने के लिए उपचार सुधार या सुरक्षा प्रयोजनों के व्यक्तियों को हिरासत में लिया जाता है, उसका रखा जाता है, उसको देखरेख मतलब करना ये इनके उद्देश्य है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार को साक्षरता को फैलाना और मानवाधिकारों पर संधियों और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना। इनकी शक्तियाँ क्या हैं? तो ये अधिनियम के तहत शिकायतों की जाँच करते समय आयोग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मुकदमे की सुनवाई करने वाली जो सिविल अदालत होती है उसकी सभी शक्तियां होती हैं। ये गवाहों को बुला सकता है और उनकी उपस्थिति को लागू कर सकता है और शपथ पर उनकी जांच भी कर सकता है। ये पुलिस क्रूरता से पीड़ित को मुआवजा भी दिलवा सकता है। यदि आवश्यक हो तो NHRC व्यक्तियों या समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकारों को लागू करने और उसके सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में संपर्क भी कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास मानवाधिकार उल्लंघनों का स्वतः संज्ञान लेने का भी अधिकार होता है भले ही औपचारिक शिकायत दर्ज ना की गई हो। हमारा अगला आर्टिकल है बुक्सा बाघ अभ्यारण्य के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। देखो ये है हमारे भारत का मैप और ये है पश्चिम बंगाल का, इसमें छोटा सा एरिया यहाँ पे बड़ा होकर करके दिखाया गया है और यहाँ पे है बुक्सा, ये टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। और इसका जो ये जलपाईगुड़ी जिला है जो एक पश्चिम बंगाल का उसमें ये स्थित है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान से लगती है और एक पश्चिम और इसकी पूर्व से असम से इसकी सीमा लगती है। इसका नाम बुक्सा किले के नाम पर पड़ा है जो 867 मीटर की ऊंचाई पर सिंचुला पहाड़ी पर स्थित है और ये राष्ट्रीय हरित अभि प्राधिकरण ने बुक्सा अभ्यारण्य में एक मालगाड़ी द्वारा जो 3 अभी हाथियों के कुचलने की रिपोर्ट मतलब हाथी कुचल दिए थे उसके स्वतः संज्ञान लिया है तभी ये चर्चा में आया है। इस अभ्यारण्य का हिस्सा तराई पारिस्थितिकी तंत्र में है और ये भारत और भूटान के बीच हाथियों के प्रवासन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जो गलियारा के रूप में कार्य करता है। इससे होकर 2 नदियां रायडक नदी और जयंती नदी बहती है। वन यहाँ पर तो ये अभ्यारण्य में जंगलों में मोटे तौर पर चैंपियन और सेठ 1968 के हालिया वर्गीकरण और आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है इसको। वनस्पतियों में यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रजातियाँ साल, चंपा, गरम सिमुल और चक्रासी पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में बाघ, हाथी, तेंदुआ, बिल्ली, गौर, जंगली सुअर, सांबर, हॉक हिरण, चीनी और पेंगुलिन आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।